और कर रहे हैं ये यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व फॉर एक्स, 9x² - 9 times of a + b into x + 2a² + 5ab + 2b² = 0। इसमें हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है, आपको याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x बराबर क्या होता है -b + -√d/2a, और d का वैल्यू क्या होता है यहां पे b² - 4ac। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके x का वैल्यू निकालना है, नहीं तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन इन्होंने बोल दिया है कि नहीं आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके बनाइए, तो हमको तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप बताइए कि उस इस क्वेश्चन में a बराबर क्या होगा, 9 होगा, x² का कोफिशियंट ही ना a होता है, अब b क्या होगा जो x का कोफिशियंट होगा, तो -9 × a + b, और c क्या होगा जी, x² और x का टर्म को छोड़ दीजिए, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म बच गया है, यानी कि 2a² + 5ab + 2b², यही है ना। अब हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्योंकि हमको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू रखना पड़ेगा फॉर्मूला जब यूज करेंगे, तो पहले ही डी निकाल लेते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा जरा बताओ, b² - 4ac। तो b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, -9 × a + b का होल स्क्वायर, तो -9 × a + b का होल स्क्वायर करोगे तो 81, और (a+b) का होल स्क्वायर होगा 9 × 9 = 81, और a+b का होल स्क्वायर (a+b) का होल स्क्वायर, फिर -4ac, तो 4a का वैल्यू 9 और c का वैल्यू ये पूरा 2a² + 5ab + 2b². अब क्या करना है तुम्हें, यहां पे देखो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आ रहा है तुम्हारा, वो 81 × a + b, और माइनस ये हो जाएगा 9 × 36, और अंदर देखो तो क्या वो a+b का होल स्क्वायर है क्या, नहीं ना, नहीं है, तो a+b का होल स्क्वायर नहीं है अगर, तो तुम क्या करो, सॉरी पहले ये तो स्क्वायर है, पहले इसको ब्रेक कर लो, है ना। क्या हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इधर निकाल के रख लें, इधर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यही निकाल लेते हैं, b² - 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब 81 × a+b का होल स्क्वायर, -4a × 4a का मतलब 4 × 9, और c का वैल्यू मतलब 2a² + 5ab + 2b². अब a+b के होल स्क्वायर को ब्रेक कर दो, तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b² होगा, बोलो ये होगा ना a+b का होल स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और 9 × 36, तो 36 में 2 का गुना करोगे तो 36 × 2 = 72 a², फिर -± ये 36 का 5 में गुना करना है, कर लो रफ में, तो कितना होगा, 6 × 5 = 30, 3 × 5 = 15 और 3 = 18, -180 ab, और फिर -± और ये देखो ये 36 और 36 × 72 और (b²), यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखो ये 81a² में से 72a² घटेगा कि नहीं, अरे देखो 81 × 2 कितना, पहले कर लो उसके बाद ही घटा देते हैं, 81 × 1 × 2 और 8 × 16 ab, और प्लस 81b² -72a² -180ab और -72b², तो यहां से 81a² और सॉरी यहां से कुछ गड़बड़ हुआ क्या, नहीं यहां से 72a² घटेगा तो कितना बचेगा, 9a² बचेगा ना, बोलो
162 AB में से 180 AB बचेगा, घटेगा तो माइनस में बचेगा कितना, 18। माइनस में 18 बचेगा जी, तो माइनस 18 का ए बी बचेगा और 81 बी स्क्वायर में से 72 बी स्क्वायर घटेगा तो प्लस का 9 बी स्क्वायर बचेगा। अब जरा देखो इसमें ध्यान से, अगर 9 कॉमन ले लो तुम तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9 दुना के 18 ए बी यानी कि 2 ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो हमारा आएगा वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा, होगा ना, बोलो। तो अब इस चीज को हम मिटाएंगे और डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे सिंपल सा निकाल के जो हमारा आया हुआ है 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो हम यहाँ बस लिखेंगे, उसको हम मिटा देंगे क्योंकि हमको वहां पे अभी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए नहीं बोला था, हमको बोला था आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके एक्स का वैल्यू निकालें, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या बना लें जो करें। अब देखिए क्या होगा, अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया, अब हम फार्मूला लिखेंगे क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक का फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और डिवाइडेड बाई 2a, तो यहाँ से हम x बराबर माइनस रहेगा और b का नाम में भी माइनस है तो माइनस 9 इंटू ए प्लस बी लिखना है तो ये प्लस हो जाएगा और 9 इंटू ए प्लस बी होगा, ये माइनस b हो गया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट d का नाम हम लिखेंगे 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए का वैल्यू हमारा 9 है। अब जरा बताओ ये डिस्क्रिमिनेंट में से बाहर कितना आ जाएगा जी, 9 इंटू ए प्लस बी और यहाँ प्लस माइनस, यहाँ 3 इंटू ए माइनस बी बाहर आएगा कि नहीं, 3 का ये पूरा का होल स्क्वायर है तो ए को बाहर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, और ये 9 टू जा 18, तो एक एक्स का वैल्यू प्लस के लिए कंसीडर करिए और एक वैल्यू एक्स का माइनस के लिए, तो एक हो जाएगा 9 इंटू ए प्लस बी और प्लस 3 इंटू ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई 18 और एक तो हो जाएगा हमारा एक्स का वैल्यू 9 इंटू ए प्लस बी और माइनस 3 इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 18 होगा। अब बारी बारी से इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहां देखिए 9a यहां 3a, कितना a हो गया 12a, और देखिए ये 9b प्लस में आइए 3b माइनस में, तो 9 में से 3 गया तो 6 प्लस 6b और डिवाइडेड बाय 18, एक और x का वैल्यू आएगा है ना, पहले इस x को निकाल लेते हैं पूरी तरह से, तो यहां 6 कॉमन हो सकता है तो 6 कॉमन होगा तो ये 6 दुना 12 प्लस बी डिवाइडेड बाई 18, तो ये 6 से कट गया 3 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 2a प्लस बी बाई 3, एक तो ये वैल्यू आया, इसको जरा सॉल्व करते हैं दूसरे वाले को, तो यहाँ से 9a और यहाँ से माइनस 3a घटेगा 9a में से 3a, तो कितना बचेगा 6a, फिर ये देखो ये 9b और ये माइनस माइनस प्लस 3b, तो 9b और प्लस 3b 12b डिवाइडेड बाई 18, फिर 6 कॉमन ले लो तो ऊपर बचेगा a प्लस 2b और डिवाइडेड बाई 18, तो ये 6 से काटो 6 3 18 है ना, तो ये वैल्यू कितना आ गया जी, a को x का वैल्यू कितना आया a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 3 और a को वैल्यू ये आया, तो फाइनल आंसर जब लिखोगे तो दोनों x को एक साथ लिख के आंसर लिख दोगे, कोई दिक्कत है समझने में, बोलो प्रिंट कर लीजिए।